21 अगस्त 2023 सावन शुभ योग नाग पंचमी पर जरूर करेंगे पांच काम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में नाग पंचमी कब है, शुभ योग, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले जरूरी कामों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। नाग पंचमी भारत में मनाए जाने वाले सभी प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। बहुत सी जगहों पर इस दिन व्रत रखने और नाग देवता का पूजन करने की परंपरा है। इस बार नाग पंचमी 21 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। ज्योतिष अनुसार इस बार नाग पंचमी पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक होगा। सावन की पंचमी बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि सावन शिव का प्रेम माह है। आइए जानते हैं साल 2023 में नाग पंचमी शुभ योग, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन कौन से कार्य करना शुभ माना जाता है। नाग पंचमी शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में नाग पंचमी का त्योहार 21 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 21 अगस्त प्रातः काल 12:21 पर। पंचमी तिथि समाप्त होगी 22 अगस्त प्रातः काल 2:00। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 21 अगस्त प्रातः काल 6:10 से प्रातः काल 8:38। नाग पंचमी शुभ योग 2023। ज्योतिष अनुसार इस बार नाग पंचमी 21 अगस्त को भगवान शिव की आराधना के खास दिन सोमवार पर पड़ रही है। नाग पंचमी सोमवार को पड़ना बेहद शुभ है, क्योंकि सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन नाग देवता के साथ शिव पूजा से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। इसके अलावा इस बार नाग पंचमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, शुक्ल योग, शुभ योग और सावन सातवां सोमवार का शुभ योग भी है, जो पूजा पाठ की दृष्टि से बेहद शुभ माना जाता है। नाग पंचमी पूजा विधि। नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत व पूजा का संकल्प लें और नाग प्रतिमा को पूजा स्थल पर स्थापित करें। अब सबसे पहले प्रतिमाओं का दूध मिले जल से अभिषेक करें और फिर पूजन सामग्री जैसे रोनी, कुमकुम, चावल, हल्दी, फूल चढ़ाकर धूप दीप अर्पित करें, भोग में दूध अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। मान्यता है कि इस प्रकार पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। नाग पंचमी के दिन क्या करें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना चाहिए, इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संभव हो तो नाग पंचमी के दिन व्रत रखें और नाग पंचमी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। इस दिन नाग प्रतिमा को दूध, मिठाई और पुष्प चढ़ाकर ओम नाग देवताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन नाग देवता की पूजा में हल्दी का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन मिट्टी की जुताई न करें और न ही पेड़ पौधों का कटान करें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।